हेलो सीएमए स्टूडेंट, दिस साइड अंकित। और दोस्तों, आप सभी के जो सीएमए स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम के फॉर्म ओपन हो चुके हैं दिसंबर टर्म के लिए, यानी कि दिसंबर टर्म में जो आपके एग्जामिनेशन लगने वाले हैं उनके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका फॉर्म ऑनलाइन फिल होगा और वो दोस्तों आप खुद भी कर सकते हैं। हम यह भी आपको बताएंगे कि आप खुद ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, उसकी वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या आपको चाहिए होगा जब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां से चले आएंगे स्टूडेंट्स में आप चेक करने के लिए। जैसे स्टूडेंट्स में चले आते हैं उसके बाद यहाँ से आप आएंगे डायरेक्ट एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में आने के बाद यहाँ आप थोड़ा स्क्रॉल करते हुए देख पाएंगे ऑनलाइन एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म, इसको यहाँ से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको कुछ प्रोसेस दिया गया है एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करते हैं। उसके लिए यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होंगे, यानी कि जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है वही एग्जाम फॉर्म यहाँ से फिलअप कर सकता है। साथ ही यहाँ से आपको दिया गया है स्टूडेंट को अपनी डिटेल्स यहाँ से सबमिट करनी होगी, अपना फोटो और सिग्नेचर भी यहाँ से 40 KB के अंडर होना चाहिए, यानी कि वो भी आपको जो भी इनका फॉर्मेट है ये JPG, JPEG और BMP इसमें अपलोड करना होगा। यहाँ पेमेंट मोड आपको सिलेक्ट करना होगा, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, वैसे भी आप DD से पेमेंट कर सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों यहां से प्लीज फिल योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर केयरफुली। आपको अपना मोबाइल नंबर और जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपको सही से फिल करनी है। जो भी दोस्तों आपकी अगर ऑनलाइन एग्जाम होती है तो पास की वगैरह आती है वो इन्हीं पर आती है, अगर ये आपका गलत हो गया तो उसके लिए आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों बहुत ध्यान से इसको आप यहाँ से डालेंगे। साथ ही यहाँ से प्लीज सेलेक्ट योर एग्जाम सेंटर, आपको एग्जाम सेंटर चूज करना है, चाहे आपकी ऑनलाइन एग्जाम हो या फिर होम बेस्ड जैसे भी आपकी एग्जाम होती है, लेकिन आपको यहाँ से एग्जाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी आपका एग्जाम सेंटर है तो उसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। साथ ही यहाँ से अगर आपका ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप DD के थ्रू भी यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ और दिए गए हैं, यानी कि आफ्टर वर्किंग डेज, यानी कि जो भी 3 वर्किंग डेज होते हैं उनके बाद आप अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके की आपको यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। साथ ही यहाँ से आप आएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आने के बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट योर कोर्स को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम फाउंडेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन यहाँ से अपन करेंगे क्लिक हेयर। क्लिक हेयर पर कर देने के बाद यहाँ से आपको फाउंडेशन का जो भी एग्जाम फॉर्म आप फिल करेंगे उसके लिए यहाँ से आपको अमाउंट दिया गया है, यानी कि आपकी 1200 रुपये अमाउंट लगने वाले हैं। साथ ही यहाँ से 15 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है, यानी कि नेट बैंकिंग के थ्रू आप 15 अक्टूबर तक यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म आप पहले भी फीस यानी कि फॉर्म आप पहले भी फिल कर सकते हैं, लेकिन जो दोस्तों जब तक आपकी जो ये है फीस वो पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपका फॉर्म फिलअप नहीं माना जाएगा। और अगर आप 15 अक्टूबर के बाद जैसे ही फीस पे करोगे तो उसके बाद आपके यहाँ से RS 300 हो जाने वाले हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ से कुछ आपको और दिए गए हैं, वो सब आप रीड कर सकते हैं। और दोस्तों ये सब तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन हमारे ग्रुप्स पर भी मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो वो वीडियो भी दोस्तों आपको जल्द ही मिलने वाला है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों से जो भी CMA का स्टूडेंट है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का।